हेलो हेलो, क्लियर आ रहा ना? एक बार ही बता दीजिएगा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून दीप्ति। क्लियर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आज हम क्या करने हैं, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले दो चीज़ आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो हम अपना अगस्त वाला दिन डिस्कस कर रहे हैं, अगस्त वाला। उसके अलावे हम डिस्कस करेंगे डिफेंस इन इंडिया, क्योंकि डिफेंस इन इंडिया हम डिस्कस कर लेंगे साथ के साथ हम लोग। चलिए, डिफेंस इन इंडिया और इंटरनल सिक्योरिटी में जो दिया हुआ है वो पार्ट डिस्कस कर लेंगे, और फिर मिलते हैं, फिर हम आगे करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? सब कुछ ठीक है ना? बता दीजिए एक बारी। अगस्त वाला दिन हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, चलिए अगस्त वाले दिन में क्या क्या हमें डिस्कस करना है पहले वो मैं बता दे रहा हूँ। क्लियर है ना सब कुछ? एक बारी मुझे बता दीजिएगा। चलिए मैं देख ले रहा हूँ एक बारी। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। तो सबसे पहले दिया हुआ है, सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। ध्यान देना, वैसे तो ये डे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है 30 जुलाई को, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मनाती है 1st संडे ऑफ अगस्त। तो हमें यही ध्यान रखना है, अगस्त के पहले संडे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनाती है, इसलिए हमें ये फोकस करना है, 1st संडे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मनाती है, तो इसलिए ये बात याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये इसलिए मनाया जाता है कि हम फ्रेंडशिप के रेलेवेंस को, फ्रेंडशिप के इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा रिकग्नाइज कर सके कि कितना अच्छा रिलेशनशिप होता है, कितना अच्छा सेंटीमेंट होता है ह्यूमन बींग के बीच अराउंड द वर्ल्ड। तो इसको इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाया जाता है 30 जुलाई को ऐसे, लेकिन हमारे देश में मनाया जाता है 1st ऑफ अगस्त को, मतलब अगस्त के पहले संडे को। ठीक है ना? अब जिस महीने में जब जो होगा वो तब मना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ है एल्बर्ट हवार्ड का, योर फ्रेंड इज द मैन हु नोज ऑल अबाउट यू एंड स्टिल लाइक्स यू। इसका मतलब है कि आपके बारे में, देखो बहुत लोग होते हैं आपको अच्छे, आपके सिर्फ पॉजिटिव साइड को जानते हुए या आपके निगेटिव साइड को जानते हुए, लेकिन दोस्त जो होता है वो सब कुछ जानता है, आप में क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, सब कुछ जानता है। उसके बाद भी वो आपको लाइक करता है तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है ना? चलिए, तो हमें पता चल गया इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। नेक्स्ट है, फर्स्ट जो वीक है ना, 1 से 7 अगस्त को हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ब्रेस्ट फीडिंग डे। ये ग्लोबल कैंपेन है जिसमें सेलिब्रेट किया जाता है कि कितना जरूरी है ब्रेस्ट फीडिंग, माँ का दूध कितना इम्पॉर्टेंट है, उससे जो भी प्रोटीन मिलता है वो कितना जरूरी है बच्चे के लिए, बच्चे के हेल्दी लाइफ के लिए कितना जरूरी है, तो इसीलिए कैंपेन किया जाता है। तो क्या इतने से हमारा काम चल जाएगा? नहीं, हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। हमारे देश का दो प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम का नाम है माँ, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ये प्रोग्राम एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर चलाती है, ताकि क्या कर सके, प्रोमोट कर सके ब्रेस्ट फीडिंग को, कितना जरूरी होता है। शुरू के 6 महीने में ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के, सिर्फ और फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, मेंटल एबिलिटी इन्हांस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इवन काउंसलिंग सर्विस भी प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो आप समझिए, दो प्रोग्राम याद रखना है, एक माँ प्रोग्राम, एक बात्सल्य प्रोग्राम। बात्सल्य क्या है? मातृ अमृत कोष, मातृ अमृत कोष। क्लियर? एक नेशनल ह्यूमन मिल्क बैंक बनाया जा रहा है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, ह्यूमन मिल्क बैंक मतलब जहाँ पे ह्यूमन मिल्क मिल सकता है, और यहाँ पे काउंसलिंग भी, काउंसलिंग सेंटर भी एस्टैब्लिश किया जा रहा है। कहाँ पे? लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, वहीं पे। क्लियर? यहाँ पे सहायता ले रहे हैं नॉर्वे की गवर्नमेंट से, ओस्लो यूनिवर्सिटी से, और एक इनिशिएटिव है नॉर्वे इंडिया पार्टनरशिप इनिशिएटिव। तो मुझे तो ये काफी काफी इंपॉर्टेंट लगता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? दो प्रोग्राम हमने डिस्कस कर लिया, एक तो हमने डिस्कस कर दिया माँ, एक है वात्सल्य। तो
तो ये दोनों प्रोग्राम आपसे पूछा जा सकता है, तो आप कर दोगे सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दो हमने डे डिस्कस कर लिया, और डे के बाद हम डिफेंस वाला भी डिस्कस करेंगे, इसलिए आप आराम से करिए। नेक्स्ट क्या, हिरोशिमा डे। तो आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी, क्लियर। तो हिरोशिमा, सॉरी, जापान ने अभी अभी 75वां सालगिरह मनाया, किस चीज का, जब उस पे बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था एक्चुअली, ठीक है। क्यों मनाते हैं डे, ताकि जो सर्वाइवर है, सर्वाइवर के रिलेटिव है, या जो फॉरेन डिग्नेटरीज है, जो इन सब को कमेमोरेट किया जा सके, मतलब कि ये दुनिया को पीस का बात पाठ पढ़ाया जा सके, पूरी दुनिया को पीस का पाठ पढ़ाया जा सके, कि दुनिया को बताया जा सके कि इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, क्लियर। हिरोशिमा डे में कोई इशू है तो बताइए आप, ठीक है। तो कुछ हम बेसिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं हिरोशिमा डे के बारे में, बेसिक फैक्ट। चलो, 6 अगस्त 1945 को यूएस ने क्या किया, बॉम ड्रॉप किया। कौन सा बम था, यूरेनियम का फीजन बम था, जिसका कोड नेम था लिटिल बॉय। यानी सबसे पहले दो बार बम गिराया गया, एक का लिटिल बॉय और एक है फैट मैन। लिटिल बॉय पे जो बम गिराया गया उसका नाम है हीरो, कहाँ पे गिराया गया, हिरोशिमा पे जो गिराया गया वो है लिटिल बॉय, नागासाकी पर जो गिराया गया वो है फैट मैन। सिंपल याद रखते, कौन सा बम है याद रख लो, यूरेनियम का फीजन बम है, यूरेनियम का फीजन बम था, क्लियर। बहुत सारे लोगों का डेथ हो गया, मतलब 80,000 के आसपास डेथ हुआ हिरोशिमा में, बाद में 40,000 से ज़्यादा लोग नागासाकी में डेथ हुआ। और इससे क्या हुआ, एक्सपोजर, इसके रेडिएशन के एक्सपोजर के कारण बहुत सारे लोगों का, इवन बहुत सारा बॉडी पार्ट्स खराब हो गया, ठीक है। बाद में क्या हुआ, रेडिएशन के कारण जब ऊपर आ गया था, और बाद में ये हवा में मिल गया था, बाद में जब बारिश हुई ना, तो बारिश के कारण बहुत ज़्यादा, बारिश के पानी के में ये लोग मिक्स हो गए, और बहुत ज़्यादा और नुकसान पहुंचाया बॉडी को, क्लियर। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या क्या देखने को मिला, बर्थ डिफेक्ट, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, कैंसर और भी इलनेस देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इस बॉम्बी देखो, तो हमने देख लिया क्या, 6 अगस्त 1945 को यूएस ने बॉम्ब गिराया जापान पे, दो, एक है हिरोशिमा पे और एक नागासाकी पे। हिरोशिमा पे जो गिराया गया उसका उसका कोड नेम है लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पे गिराया गया उसका नाम है फैट मैन। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ ये हमने देखा कुछ, और इसी बॉम्बी ने, बॉम्बिंग ने एक्चुअली एंड कर दिया वर्ल्ड वार टू को। जापान सरेंडर कर देता है किससे, अलाइड फोर्स से, अलाइड जो फोर्स था ना, जिसमें हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, और सोवियत यूनियन, ये सब था। इसके सामने जापान सरेंडर करता है, जापान वाला ग्रुप कौन था, जर्मनी, इटली और जापान, क्लियर। चलिए, 8 अगस्त को एक्चुअली मनाया जाता है, कहीं कहीं पे 9 अगस्त लिखा है, लेकिन मैंने कई जगह सर्च किया तो 8 अगस्त, क्योंकि देखो जो गांधी जी जो भाषण दिए थे, जो स्पीच दिए थे, वो 8 अगस्त को दिए थे। एक्चुअली स्टार्ट होना था 9 अगस्त को, लेकिन गांधी जी के स्पीच वगैरह सब कुछ रेजोल्यूशन 8 अगस्त को ही हुआ, इसलिए 8 अगस्त को मनाया जाता है क्विट इंडिया डे, क्लियर, क्विट इंडिया डे। 8 अगस्त 2020 को अभी 78 साल पूरा हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट का, जिसको हम अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, अगस्त क्रांति, ठीक है ना। इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने एक और मूवमेंट की बात की, उन्होंने कल बोला कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट जी का, जो गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट के समय एक नारा था, करो या मरो, उस नारे को, उस जो नारा है उसको हम फिर से रिवाइव करेंगे, उस स्लोगन को हम फिर से रिवाइव करेंगे। तो लोगों ने पूछा, सर क्या होगा स्लोगन, करो या मरो, नहीं, करेंगे और करके रहेंगे, करेंगे या करके रहेंगे, समझ में आया ना, एक नया स्लोगन, ताकि गांधी जी के स्पिरिट को और ज़्यादा रिवाइव किया जा सके। तो इस बार का ये है, करेंगे और करके रहेंगे, काफ़ी अच्छा है ना। इस एम का स्लोगन है कि नया इंडिया को बिल्ड करना है, गोल क्या है, न्यू इंडिया को बिल्ड करना है बाई 2020 तक, ठीक है ना। उसके बाद अबाउट गांधी जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये 8 अगस्त को महात्मा गांधी जी ने गेव कॉल दिया कि अब ब्रिटिश रूल को तो ख़त्म होना पड़ेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया यही थे, क्लियर। यहाँ पे सेशन कौन चल रहा था, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन चल रहा था मुंबई,
क्लियर, डू और डाई स्लोगन दिया, और कहाँ से दिया, ग्वालिया टंक से, टैंक मैदान, जो कि अभी हम अगस्त क्रांति मैदान बोलते हैं, ग्वालिया टैंक मैदान पहले नाम था, अब अगस्त क्रांति नाम दिया गया। और एक और चीज, क्योंकि आपको पता है गांधी जी तो 9 अगस्त को अरेस्ट हो गए थे, तो अरुणा असफ अली जी जिनको हम ग्रैंड ओल्ड लेडी भी बोलते हैं, इन्होंने होस्ट किया था इंडियन फ्लैग को कहाँ पे, ग्वालिया टैंक मैदान पे, ड्यूरिंग द कोल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इनका नाम बहुत आपसे पूछा जा सकता है कि ग्वालिया टैंक मैदान पे मुंबई में जो है वहाँ पे इंडियन फ्लैग को कौन होस्ट किया। तो हमें देखो, अगर हमें बिल्कुल नहीं पता होगा तो हम सीधा गांधी जी का नाम लगा देंगे कि हमको लगे कि यार उन्होंने ही तो स्पीच दिया था तो वही होस्ट किए होंगे, लेकिन नहीं, अरुणा असफ जी है। अब आप बोलोगे क्या क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जो करो या मरो का जो स्लोगन दिया गया था, ये स्लोगन गांधी जी खुद का था, गांधी जी का नहीं, यूसुफ मेहरैली जी का था। यूसुफ मेहरैली जी एक सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट थे और ये मुंबई के मेयर भी रहे थे, और इन्होंने एक और स्लोगन दिया था, साइमन गो बैक। तो देखना कितना कितने दिमाग वाले इंसान थे, इनका स्लोगन इतना ज़्यादा फेमस हुआ, समझ में आया ना, स्लोगन इतना ज़्यादा फेमस है, साइमन गो बैक। और उसके अलावे एक थ्योरी एक है, करो या मरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतने में, चलो। नेक्स्ट है नागासाकी डे 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये फैट मैन कोड नेम था, हमने डिस्कस कर लिया, बाकी सारा तो डिस्कस कर ही लिया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड, ध्यान देना, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, या हम इसको वर्ल्ड ट्राइबल डे भी बोलते हैं। ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडिजीनियस पीपल की बात करते हैं, यानी ट्राइबल पीपल की बात करते हैं, उनके लिए कोई एक दिन मनाया जाता है, वो है 9 अगस्त को, ताकि क्या किया जा सके भाई, ताकि हम प्रोमोट कर सके और प्रोटेक्ट कर सके जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन के राइट को प्रोटेक्ट और प्रोमोट कर सके, ओके क्लियर, एंड एक्नॉलेज कर सके जो इंडिजीनियस पीपल लोग काम किए हैं उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज कर सके कि कैसे ये लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, ऐसे ऐसे सुन। बैकग्राउंड इसका है कि सबसे पहले ये डे कब रिकॉग्नाइज किया गया, यूनाइटेड नेशन की वर्किंग ग्रुप ने जिनेवा में 1982 में बात करी कि चलो हम ऐसा कुछ डे मनाएंगे, लेकिन बात फाइनल कब हुई, 1994 में, क्लियर। और थीम क्या था 2020 का, COVID-19 एंड द इंडिजीनियस पीपल रेजिलियंस, इतना इंपॉर्टेंट है इंडिजीनियस पीपल रेजिलियंस, COVID-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रेजिलियंस, ठीक है। ट्राइबल्स ऑफ इंडिया की बात करें, इंडिया की थोड़ा बेसिक डेटा देख लेते हैं, 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया में टोटल ट्राइबल है 8.6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, क्लियर, 700 से ज्यादा ट्राइबल ग्रुप है, उसमें से जो 75 है वो है पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल, PVTG, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल, इतना इंपॉर्टेंट है ना ये कॉन्सेप्ट, कितनी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन है, गोंड, क्लियर। सबसे ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप किस राज्य में मिलते हैं, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा ट्राइबल ग्रुप मिलते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे बिल्कुल ट्राइबल नहीं है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली एंड पुडुचेरी, कोई ट्राइबल ही नहीं है यहाँ पे, समझ में आया। उसके बाद कुछ कमेटी है जो ट्राइबल प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहती है, कुछ कमेटी है जैसे जाजा कमेटी, भूरिया कमीशन और लोकूर कमीशन। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, कमीशन पर क्वेश्चन आता है ये आपको भी पता है, तो इसलिए हम रिवाइज कर लिए थोड़ा बहुत डेटा, हम रिवाइज कर लिए, तो हम बहुत कुछ इससे रिवाइज कर लिए, डेटा भी रिवाइज कर लिए, ट्राइबल के बारे में भी रिवाइज कर लिए, तो हमारा काम बन गया। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को, इंटरनेशनल यूथ डे। और एक और चीज, इस बार का यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल यूथ डे, इस बार का क्या है थीम, यूथ इंगेजमेंट, ध्यान देना मैं क्या बोला, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ठीक है ना, ये इस बार का थीम है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ठीक है। वर्ल्ड एनीफैन डे मनाया जाता है, ध्यान देना, हमने क्या देखा, यूथ के बारे में देख लिया, इंटरनेशनल यूथ डे,
इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड एलिफेंट डे, ध्यान देना, वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। भाई क्यों मनाया जाता है? ताकि हम लोग अवेयरनेस फैला सके कि क्यों भाई कंजर्वेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लार्जेस्ट मैमन और जो लैंड है उनका, मतलब कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन जरूरत है लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड। तो ये क्वेश्चन आपसे ये क्लियर होगा कि लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड कौन है? एलिफेंट। तो ये कब मनाया जाता है? ऑब्वियसली 12 अगस्त को। किनके बारे में अटेंशन फैलाने के लिए? ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट। तो क्या हमें एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट का IUCN स्टेटस पता है? बेसिक फैक्ट पता है इनके बारे में? चलो मैं बता देता हूँ, ध्यान देना। एशियन एलिफेंट तीन सब स्पीसीज होते हैं, ध्यान देना। हमने दो पहले तो देखा एशियन और अफ्रीकन। एशियन की तीन सब स्पीसीज है, इंडियन, सुमात्रान और श्रीलंकन। इंडियन, सुमात्रान और श्रीलंकन। सेकेंड, ग्लोबल पॉपुलेशन क्या है? ग्लोबल पॉपुलेशन 20,000 से 40,000 है। और इंडियन सब स्पीसीज, इंडियन जो सब स्पीसीज है ना वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेजॉरिटी में मिलती है, ठीक है ना। लगभग 28,000 इंडियन एलिफेंट है, जिसमें से 25% तो कर्नाटका में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, समझ में। टोटल ग्लोबल पॉपुलेशन एशियन एलिफेंट का 20 से 40,000, लेकिन इसमें इंडियन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और 28,000 के आसपास इंडियन ही है, क्लियर। और देखो IUCN में अगर हम स्टेटस देखें, IUCN की रेड लिस्ट का स्टेटस, तो इसमें आता है इंडेंजर। तो आप बोलोगे भैया अफ्रीकन एलिफेंट का क्या है? अफ्रीकन एलिफेंट वनरेबल है, यानी अफ्रीकन एलिफेंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडियन एशियन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट ज़्यादा है तभी तो वनरेबल है, और ये हमारा इंडियन वाला मतलब एशियन वाला इंडेंजर है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के किस शेड्यूल में? शेड्यूल वन में, यानी हाईली 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 प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। सेकेंड, अफ्रीकन एलिफेंट की बात करते हैं, सिर्फ दो सब स्पीसीज है, एक है सवाना और एक है फॉरेस्ट एलिफेंट। सवाना वाली एक फॉरेस्ट स्टेप है। ग्लोबल पॉपुलेशन है 4 लाख के आसपास। IUCN का स्टेटस है वनरेबल। और 2020 में देखो बोत्सवाना में क्या हुआ था, बहुत सारे एलिफेंट का डेथ हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि किस एरिया में बहुत सारे एलिफेंट का डेथ होने लगा था, तो यह बोत्सवाना अफ्रीका में एक जगह है। दो टाइप की सब स्पीसीज होती है अफ्रीका में, एक होता है सवाना वाला और एक होता है फॉरेस्ट एलिफेंट। 4 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसे वनरेबल के कैटेगरी में है, और इंडिया एशियन वाली इंडेंजर के कैटेगरी में, ठीक है। अब देखो कुछ हम यहाँ पे स्टेप देख लेते हैं, जिसके कारण हम एलिफेंट को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैन और एलिफेंट को प्रोटेक्ट कन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं, फॉरेस्ट फायर होने से बचा सकते। एक है गज यात्रा। गज यात्रा में क्या हुआ, नेशनल वाइड अवेयरनेस कैंपेन था, ताकि लोगों को अवेयर कर सके कि कितना ज़रूरी है एलिफेंट के कॉरिडोर को बचाना, कि ऐसा नहीं कि एलिफेंट जहाँ से कॉरिडोर उसका जो रास्ता है उसमें आप अपना बिल्डिंग बना लो, अपना कुछ और प्रोजेक्ट बना लो, नहीं, क्लियर। एक प्रोग्राम है माइक, ये आपसे सिंपल पूछा जा सकता है कि भाई माइक प्रोग्राम किसके लिए है? चिल्ड्रेन के लिए है, वुमेन के लिए है, क्लियर, किसके लिए है? तो आपसे सिंपल पूछा जा सकता है। तो माइक प्रोग्राम है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ठीक है ना। 2003 में इसको इस्टाब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, एक प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ऑब्वियसली जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है उसी तरह प्रोजेक्ट एलिफेंट है, 1992 में आया था, ताकि प्रोटेक्शन किया जाएगा एलिफेंट का, कहाँ पे? उनके हैबिटेट और उनके कॉरिडोर पे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चल रहा है। एक है महाउत्स, एक हम बोलते हैं ना जो लोग काम करते हैं, महावत्स नहीं हम बोलते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं वेलफेयर के लिए, ठीक है। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो अब सबसे पहले आपको लगेगा कि हम पहले इंडिपेंडेंस डे अपने हिसाब से हम 15 अगस्त नहीं मनाना चाहते थे, हम पहले मनाना चाहते थे 26 जनवरी। मैं बताता हूँ क्यों। इंडिपेंडेंस से पहले एक पूर्ण स्वराज आया था 1929 में, ध्यान देना 1929 में,
वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज डे कहाँ पे मनाया जाता है, एक्चुअली लाहौर में रवि रिवर के किनारे इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है। वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि हम अगले साल से अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और वो दिन होगा 26 जनवरी का, ठीक है ना। तो पूर्ण स्वराज डे किस दिन मनाएंगे, 26 जनवरी। और उन्होंने बोला कि और उसके बाद हम अपना झंडा भी फहराएंगे 26 जनवरी से अगले साल से। लेकिन होता है कुछ अलग। माउंट वेटन पता है क्या करता है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मना देता है। तो हमारे पास 15 अगस्त हमें इंडिपेंडेंस डे का जो हम 26 जनवरी मनाने वाले थे वो दिन हमारे पास चला गया। तो आप बोलोगे माउंट बेटन ये दिन क्यों मना रहा था, तो माउंट बेटन इसलिए मना रहा था क्योंकि जापान सरेंडर किया था, उसकी सेकेंड एनिवर्सरी होने वाली थी। 1947 में नहीं हुआ किया था, ठीक है ना। 15 अगस्त को ही तो देखो, 6 अगस्त 9 अगस्त को बम, लेकिन सरेंडर कब किया, 15 अगस्त को, ठीक है, जापान सरेंडर किया उसी दिन को यह मनाना चाहता है सेकेंड एन, इसलिए इंडिया को उसी दिन आजाद करवाया, ठीक है ना। चलिए 17 अगस्त को इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे है, तो इंडोनेशिया थोड़ा मैप देख लेते हैं। एक बारी पता है क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अंडमान और निकोबार, यहाँ ये भी निकोबार का ही पार्ट है, ग्रेट निकोबार है, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह के सबसे क्लोज में कौन सा आइलैंड है, तो ये यही आंसर था, ये एक्चुअली सुमात्रा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है सुमात्रा, ये है जावा। तो आपसे सिंपल पूछ सकता है जो इंडोनेशिया का कैपिटल है, इंडोनेशिया का जो कैपिटल है वो किस आइलैंड पे, तो आप बोल देना जावा, जावा। वो अलग बात है, बाद में कैपिटल चेंज होने वाला है, यहाँ पे आने वाला है, तो अब बन जाएगा, होगा तब होगा, लेकिन अभी कुछ साल तो लगेगा ना, तो हमें तो एग्जाम इसी साल देना है, तो हमारे लिए तो जावा ही होगा। ट्वेल्थ का मैं वो दो चैप्टर बचा हुआ ही लेना है ना, दो चैप्टर जो बचा हुआ है वो दो चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद मैं रिवाइज भी करवा दूंगा सारे चैप्टर का, मुझे करना है, मतलब आपके एग्जाम से पहले वो दो चैप्टर मुझे डिटेल में करवाना है, उसके बाद एक क्रैश कोर्स मैं लाऊंगा फ्री कुछ मतलब 1 अप्रैल से, तो मैंने पहले ही प्लान कर लिया था, हिस्ट्री ज्योग्राफी सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस सबका MCQ भी लाना है, मतलब 1 अप्रैल से आपको स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी टाइम टेबल डाल दूंगा थोड़ा दिन, हाँ अब वो दो चैप्टर तो मैं एक दो दिन में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूरत है तो मैं वो एक दो दिन में डाल दूंगा वो चैप्टर, ओके। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है 19 अगस्त को, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। अब ह्यूमैनिटेरियन देखो, कुछ लोग ऐसे करते हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, जैसे कहीं पे अटैक कुछ हो गया तो वहाँ पे जाके काम करते हैं, तो लेकिन 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 एग्जांपल लेते हैं, कोई आप किसी के लिए किसी कहीं पे कोई घटना हो गई वहाँ पे जाते हो आप काम करने, थैंक यू, ठीक है, आप जरूर शेयर कर देना, आप जरूर वो जो लेक्चर आपको पसंद आता है अपने दोस्तों में। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है 19 अगस्त को, सिंपल समझो ना, जब कोई चीज़ कहीं पे कोई अटैक होता है, समझो, आपको तो अच्छा लग, आप तो जाते हैं आप काम करें, भाई यहाँ पे बहुत लोग दुखी है इसलिए हम यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन फिर से वहाँ पे अटैक होगा, आपको नुकसान पहुँचेगा, आप तो इस एरिया के थे भी नहीं, आपको इंजरी हो गई, तो आप को जो ह्यूमैनिटेरियन करने वाले लोग हैं उन ह्यूमैनिटेरियन वर्कर है उनको कमोमरेट करने के लिए दिन मनाया जाता है। ये पहली बार पता है कब मनाया गया, जब इराक में एक कैनल होटल है तो कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, ऑलमोस्ट 22 लोग यहाँ पे काम कर रहे थे, क्या क्यों, ऐसा नहीं कि वहाँ पे जॉब कर रहे थे, वो एज ए ह्यूमैनिटेरियन थे, वहाँ पे काम कर रहे थे, मतलब लोगों की सेवा कर रहे थे, वहाँ पे अटैक होगा, तो इसी दिन को कमोमरेट करने के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। ये इसका थीम है रियल लाइफ हीरोज, भाई आपको कोई देखो यहाँ पे क्या होता है, किसी को कोई लोभ ही नहीं है और वो काम कर रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को, ऑब्वियसली आप सबको पता है
हमारे हॉकी के स्टार यानी पूरी दुनिया के हॉकी के स्टार ध्यानचंद जी के बर्थ एनिवर्सरी। एक्चुअली उनको स्टार ऑफ हॉकी बोला जाता था। 3 बैक टू बैक जीते थे ये ओलंपिक, ठीक है। उसके बाद इस दिन पता है क्या मनाया जाता है? इस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों को, जो स्पोर्टिंग हीरो हीरोज होते हैं, उनको अवार्ड्स देते हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड। इस दिन अवार्ड दिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। क्लियर। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर। 2009 में स्टार्ट हुआ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद ये डे मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये क्यों किया जाता है? ताकि ये किया इनिशिएट, ये देखो ये रेजोल्यूशन इनिशिएट किसके द्वारा किया गया था? कजाकिस्तान के द्वारा, ठीक है ना, ये याद रखना। देखो कुछ ऐसा चीज़ है, जैसे आपको एनपीटी के बारे में सुना होगा, सीटीबीटी के बारे में सुना होगा, आपको बस ये याद रखना है, इंडिया ना नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन किया हुआ है, ना कॉम्प्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के बारे में सुना, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इंडिया ना इसको साइन किया हुआ है ना इसको साइन किया हुआ है, याद रखिएगा बस, ठीक है। चलिए, हाँ एक और डे है, इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। ये बस मैं इसलिए बता दिया कि दोनों सेम है ऑलमोस्ट, ये भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बनाई जाती है, ठीक है। अब एक और चीज, ये हमारा डे हो गया अगस्त, अगस्त वाले में कोई इशू नहीं है। अब हमें डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, मैं डिफेंस वाला मैं जो बताया था कि डिफेंस वाला ही साथ के साथ कंप्लीट हम कर लेते हैं, डिफेंस इन इंडिया वाला। एक सेकेंड, देखो सबसे पहले थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, इंडिया का लोकेशन देखो, इंडिया का लोकेशन कितना डिफिकल्ट है। इंडिया पे किसी और देश का मतलब कि देखो किस, ये भी देश जैसे यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ से पहुँच सकता है आराम से, इधर से पहुँच सकता है, या चाइना यहाँ से पहुँच सकता है, तो हमें इतना सिक्योरिटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, हमें अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया का लोकेशन क्या है, बहुत बहुत स्ट्रेटजिक लोकेशन है इंडिया के। देखो इंडिया किसी दूसरे ऐसा लोकेशन है ना कि और देश पे कंट्रोल भी कर सकता है, मतलब यहाँ पे जो देश होंगे, लेकिन इंडिया पे भी लोगों और लोग चाहे तो इंडिया के, देखो इंडिया का ऐसा लोकेशन है जैसे आप देखो यहाँ पे किसी कोई देश यहाँ से आ सकता है आराम से, यहाँ से आराम से पहुँच सकता है, तो इंडिया का लोकेशन इतना स्ट्रेटजिक है कि इंडिया को अपने डिफेंस के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए बहुत काम करना है। तो मैं बताता हूं आपको, ये हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता लुसेंट बुक से, लेकिन जहां मुझे लगता है कि मैं अलग से समझा दूं पिक्चर वगैरह से, तो मैं इसलिए अलग से समझाता हूं। देखो सबसे पहले इंडिया का टोटल एरिया कितना यहाँ दिया हुआ है, 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद इंडिया लोकेटेड है, आपके पता है कॉन्टिनेंटल एशिया में है और इंडियन ओशन इंडिया के पास में। इंडिया का जो टोटल लैंड बाउंड्री है ना, टोटल लैंड बाउंड्री वो ऑलमोस्ट है 15,500 किलोमीटर, लेकिन वाटर बॉडी ये लेके और उसके बाद यहाँ पे अंडमान और निकोबार वाला और लक्षद्वीप लेके टोटल अगर बात करें कोस्टल बाउंड्री, टोटल कोस्टल बाउंड्री है ऑलमोस्ट 1,575 किलोमीटर। तो समझो इतना ज़्यादा बाउंड्री है यहाँ पे यहाँ पे। तो इंडिया को बच के रहना है, मतलब अपनी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी काम करना है, तो इंडिया काम करती है, इंडिया बहुत ज़्यादा। तो इंडिया की बात करें, इंडिया का लोकेशन ऐसा देखें, तो सबसे पहले देखो इंडिया का आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर किसको बोला जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कमांडर किनको बोला जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। क्लियर। उनका काम होता है नेशनल डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं पे ही होती है। क्लियर। लेकिन ओरिजिनल मतलब अगर एक्चुअल काम देखे तो किसके पास होता है? यूनियन कैबिनेट के पास होता है। तो डिफेंस मिनिस्टर जो होते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के लिए, मतलब सारा जो काम होता है ना डिफेंस का, वो वही ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। वो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल कंट्रोल करते हैं आर्म फोर्स पे, सही है ना। उसके बाद देखे यही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द डिफेंस ऑफ इंडिया।
सुप्रीम कमांडर कौन है, प्रेसिडेंट है, ये हमें पता ही है। उसके बाद लेकिन जो डिस्चार्ज एक्चुअल डिस्चार्ज करते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करते हैं, ये नॉर्मल बात है, रक्षा मंत्री जिनको हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, हाँ अब देखो अगर बात करें, देखो आपके बुक में अगर बात करें तो चार ही दिया हुआ है, चार दिया हुआ है कि इसमें चार डिपार्टमेंट है, लेकिन मैं अगर वेबसाइट पे देखें तो वेबसाइट पे देता रहता है पता है पांच डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री के बात करें, मिनिस्ट्री के बाद अगर हम देखेंगे ना ये जो भी आपके इवन लूसेंट में भी लिखा हुआ है ना, लूसेंट में डायरेक्ट मिनिस्ट्री के वेबसाइट से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, द सुप्रीम कमांड ऑफ आर्म फोर्स इन किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं का होता है नेशनल डिफेंस का, लेकिन एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैबिनेट के पास होता है, ये हमें पता है। और कैबिनेट का ऑफिस को डिस्चार्ज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ऑनरेबल रक्षा मंत्री कौन है, श्री राजनाथ सिंह जी है। और राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर होते हैं ना, श्रीपद यशो नायक जी है, श्रीपद यशो नायक। क्लियर, अब बात करें ध्यान से देखना, तो टोटल अगर बुक की बात करें तो बुक में चार ही दिया हुआ है डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री में डिफेंस मिनिस्ट्री में चार डिपार्टमेंट दिया है, लेकिन एक्चुअली अगर आप वेबसाइट खोलते हो मिनिस्ट्री वेबसाइट तो उस पर दिया हुआ है पांच। एक है डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, सेकेंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, बाद में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ये बात अभी आपके बुक में शायद ये नया आया है इसलिए अभी बुक में नहीं दिया है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जिसमें बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आता है, कोस्ट गार्ड, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट, सब कुछ। प्रोडक्शन वाला बात यहीं पे आएगा, तो जितने भी गवर्नमेंट के PSU है जो रिलेटेड है डिफेंस प्रोडक्शन से वो यहीं पे आएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डिपार्टमेंट यहीं पे आएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर यहाँ पे आएगा, उसके बाद मिलिट्री अफेयर्स वाला यहाँ पे आएंगे कि कौन कितना क्या है, जितना दिया हुआ उतना ही हम करते हैं। अब देखो अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2002 में पता है क्या किया गया, डिफेंस मिनिस्टर ने एक नाम दिया, एक नया बॉडी बनाया जिसका नाम रखा इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ध्यान देना, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और उसके अंदर तीन ऑर्गेनाइजेशन है, एक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है ना, और तीनों के अलग अलग फंक्शन है, और तीनों के कोई ना कोई हेड होते हैं, उनके नीचे बहुत सारे लोग होते हैं, ये सब हमें बात ध्यान रखना है। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आर्मी की बात करते हैं, तो आर्मी के जो सबसे हेड होते हैं वो है, उनको बोलते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये एक जनरल रैंक के होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर जो टोटल कमांड है, ध्यान देना, सिक्स है ऑपरेशनल कमांड और एक है आर्मी ट्रेनिंग कमांड। ध्यान देना, सिक्स है ऑपरेशनल कमांड, तो आप बोलोगे भैया ऑपरेशनल कमांड कहाँ कहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, नहीं मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। सिक्स ऑपरेशनल कमांड कौन कौन है, एक है वेस्टर्न कमांड, जिसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़। ध्यान देना, आप अगर लूसेंट बुक आपके पास होगा तो आर्मी के जो सबसे ऊपर होते हैं वो होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो उनका रैंक होता है 4-स्टार, हमें पता है। क्लियर, उसके बाद हाँ उसके बाद क्या होता है, वेस्टर्न, छह कमांड टोटल, 7 कमांड है, 6 कमांड है ऑपरेशनल, और एक और चीज जितने भी, एक है वेस्टर्न कमांड, दूसरा नदन कमांड, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, साउथ वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड और सेंट्रल कमांड। सबके जो एक एक हेड होते हैं, जैसे नदन कमांड के हेड कौन होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल होंगे, समझ में आया। जो सबसे ऊपर है वो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उसके उनके जैस नीचे है वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो होता है 3-स्टार ऑफिसर होते हैं, ये भी 3-स्टार ऑफिसर है। क्लियर है कि नहीं, ज्यादा हमें नीचे नहीं जाना है, ठीक है ना। जैसे हम बटालियन नाम सुनते हो, ब्रिगेड सुनते हो, डिवीजन सुनते हो, कॉर्प सुनते हैं, ये सब सेक्शन है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले हमने क्या सुना, हमें सबसे ऊपर सुना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सबसे ऊपर होता है, जो जनरल रैंक के होते हैं 4 स्टार। उसके बाद होते हैं टोटल 7 कमांड है, जिसमें 6 कमांड है ऑपरेशनल, 1 है आर्मी ट्रेनिंग कमांड। ऑपरेशनल कमांड 6 है, उसमें वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है चंडीगढ़, याद रखिए। उसके बाद नदन कमांड का हेडक्वार्टर है उधमपुर। उसके बाद आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, उसका हेडक्वार्टर शिमला। उसके बाद बात करें तो साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है जयपुर, साउथ वेस्टर्न जयपुर। उसके बाद बात करें ईस्टर्न कमांड, ईस्टर्न इधर वाले का, उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, ईस्टर्न कमांड का। सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर है पुणे, सदर्न कमांड। उसके बाद सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है लखनऊ। तो सब आपको कमांड याद होना चाहिए और उसका हेडक्वार्टर याद होना चाहिए, ठीक है ना। और हर एक कमांड पे जो रैंक होते हैं वो होते हैं चीफ, किस रैंक पे, लेफ्टिनेंट जनरल पे होते हैं, ठीक है ना। इनको हम बोलते हैं कमांडर इन चीफ, ठीक है ना, आर्मी कमांडर या कमांडर इन चीफ, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं, अब हम देखते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का क्या नाम है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी का नाम है एम एम नारावाने जी। तो आपसे पूछा जा सकता है पहले कौन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये है फील्ड मार्शल के एम करियप्पा, ये सबसे पहले है, याद रखिए। क्योंकि अभी तक देखो ना, अभी तक सबसे ब्रिटिशर्स बन रहे हैं, पहली बार कोई इंडियन बन रहे हैं, उनका नाम है के एम करियप्पा, ये याद रखने बस। ये है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी, जनरल एम एम नारावाने जी, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें नेवी की, नेवी की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे हेड होते हैं, मैं आपको सबसे पहले हेड यहाँ पे दिखाता हूँ, जो सबसे हेड होते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वो है एडमायरल करमबीर सिंह जी, एडमायरल करमबीर सिंह जी, समझ में है ना। सबसे चीफ जो होते हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होते हैं एडमायरल करमबीर सिंह जी, इनका हेडक्वार्टर है एक्चुअली न्यू दिल्ली में, हमें देख लिया। उसके बाद टोटल कितने कमांड है इसके पास, 3 टोटल कमांड है, एक है वेस्टर्न कमांड, एक है ईस्टर्न कमांड, एक सदर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर मैं आपको तीनों का हेडक्वार्टर बताता हूँ। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है एक्चुअली विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम। सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर है कोची, और वेस्टर्न का है एक्चुअली मुंबई। डिफेंस मिनिस्टर तो सबसे ऊपर हुए ना, डिफेंस मिनिस्टर सबसे, वो कैबिनेट का काम करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो फील्ड पे काम करते रहते वो ये होते हैं डिफेंस, वो मिनिस्टर अलग होते हैं ना, जैसे हम बार बार नहीं करते मिनिस्टर और सेक्रेटरी में आप डिफेंस डिफरेंस थोड़ी कर सकते, वो मिनिस्ट्री है, एक्चुअल जो काम होता है इन्हीं का होता है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एयरफोर्स, हो गया हमारा नेवी वाला हो गया, नेवी में देखो यहाँ पे एक चीज और, जो हेड करते हो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनको एडमायरल एडमायरल रैंक के होते हैं, एडमायरल रैंक के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये लोग, ये तो एडमायरल रैंक होंगे, ये रैंक होता है, ध्यान रखना एडमायरल एक रैंक होता है, एडमायरल रैंक होता है, तो इन दोनों का, इन तीनों का रैंक कौन होगा, वाइस एडमायरल, समझ में आना, सिंपल समझो ना। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह आर्मी में हमने अभी देखा, आर्मी में हमने देखा सबसे ऊपर वाले जी का रैंक है जनरल, उसके जस्ट नीचे वाले का रैंक है लेफ्टिनेंट जनरल, समझ में आया ना। उसके जस्ट नीचे वाले का रैंक होगा मेजर जनरल, देखो ना मेजर जनरल। उसके जस्ट नीचे वाले रैंक का होगा ब्रिगेडियर। उसके बाद होता है कर्नल, उसके बाद और नीचे आते लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। तो सेम एयरफोर्स में भी तो वही होगा ना, एयरफोर्स में पहले मैं इसका कर देता हूँ, पहले इनका कर ले रहे हैं नेवी का, क्योंकि दिल्ली सबसे ऊपर कौन है एडमायरल रैंक, उसके जस्ट बार नीचे रैंक वाइस एडमायरल। यहाँ पे देखो ना, सबसे ऊपर है एडमायरल, उसके बाद होते हैं वाइस एडमायरल, उसके बाद रियर एडमायरल,
कमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, तो ज़्यादा हमें नहीं याद रखना है, दो तीन याद रख ले वो भी काफ़ी है, ठीक है। चलो ये मैंने सारा वेबसाइट से सीधे उठाया, तो आप लोग को एकदम ऑथेंटिसिटी में तो वही नहीं करना कि कोई दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट मैंने वेबसाइट देखो, सबका वेबसाइट का ही फोटो स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो हमारा एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, अब लास्ट है एयरफोर्स, ठीक है। हमने देखा यही है तीन मेन, यही है कमांडर। इस पर अगर देखो ये पोर्ट ब्लेयर वाला जो है ना, अगर वेबसाइट पे दिया है लेकिन इस पर सर्च करने पे, इस पर क्लिक करने पे कुछ नहीं होता है, एंड इवन कई जगह इवन बुक में भी दिया है, तो ये कोई अभी नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में ऐसा कोई कमांड बनाए, और ऐसा बनाने वाला है लेकिन ये फाइनल नहीं हुआ है इस पर, मतलब लोग काम इस पर चालू है इसलिए दे दिया गया है अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट है एयरफोर्स की बात करते हैं। एयरफोर्स में जो सबसे हेड होते हैं वो देखें, एयर चीफ मार्शल राकेश सिंह जी भदौरिया जी जो है, और ये हैं हमारे एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह। मार्शल जो है इनका होता है रैंक, ठीक है ना। अब एक और चीज मैं बताता हूँ, अब देखो इनसे नीचे कितने कमांड है, 2, 4, 6, 7, टोटल 7 कमांड है, मतलब सबसे ऊपर यही है, सबसे ऊपर है एयर चीफ मार्शल और इनके नीचे है 7 कमांड, तो 7 कमांड को जो रैंक करेंगे, 7 कमांड जो है उनको जो हेड करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, उनको जो हम सिंपल बोलेंगे एयर चीफ मार्शल के नीचे जो है एयर मार्शल बोलेंगे इन लोगों को। तो कितने कौन कौन कमांड है, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सेंट्रल एयर कमांड, साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, तो सबका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। ईस्टर्न सबसे पहले देखो, वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली, मैं बता दे रहा हूँ। ईस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर क्या है, शिलोंग, ठीक है। सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, इलाहाबाद। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, गांधीनगर। सदर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सदर्न एयर हेड तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलोर, और मेंटेनेंस कमांड का है नागपुर। ये दोनों एक्चुअली आता है फंक्शनल कमांड में, ये पांचों आते हैं ऑपरेशनल कमांड के अंदर, ठीक है ये। और अब बात बाकी आप अगर देखो तो थोड़ा बहुत आप रैंकिंग देख सकते हो, जैसे आर्मी में सबसे पहले ऊपर होता है, यहाँ पे मैंने आर्मी वाला के नहीं लिए, आर्मी में सबसे पहले ऊपर होता है जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ये सब। तो एयरफोर्स में भी यही होता है, एयरफोर्स में क्या होता है, एयरफोर्स की बात करें तो सबसे पहले होता है एयर चीफ मार्शल, उसके बाद एयर मार्शल, और उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे नहीं दिया है, मार्शल वाले को नहीं दिया है, हाँ दिया ना, ठीक है। ये तो ये अलग दिया है, ये अलग से, ये पिक्चर थोड़ा सही नहीं है ये, क्योंकि ये थोड़ा अलग दे दिया है ना, फील्ड मार्शल, ठीक है। तो रैंकिंग देख लो, रैंकिंग एक बार देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया आर्मी का, सेम एयरफोर्स की रैंकिंग होती है। एयरफोर्स का सबसे ऊपर है एयर चीफ मार्शल, हमने देखा उनका पिक्चर, एयर चीफ मार्शल के जस्ट नीचे होता है एयर मार्शल, जो आप कमांड की बात नहीं कर रहे थे, 7 कमांड है, एयर मार्शल उनको हेड करते, उनके बाद होता है एयर वाइस मार्शल, उसके बाद एयर कमोडोर, उसके बाद ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, जो हमारे आपको पता ना, हमने न्यूज में बहुत देखा था, जो हमारे विंग कमांडर जी जो पाकिस्तान में गए थे और वहाँ से फिर आए थे, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उसके बाद फ्लाइंग ऑफिसर, ये सब हैं। नेवी की वैसे ही देखते हैं, एडमायरल, वाइस एडमायरल, रियर एडमायरल, कॉमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, ये सब, ठीक है ना। तो हमारा चैप्टर हो गया, हमारा ये चैप्टर हो गया। अब मुझे आपसे पूछना है बस, क्या जो इतना इंस्टीट्यूट आपके बुक में दिया हुआ है, डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टोटल 142, क्या एग्जाम ही आता है, आप जो एग्जाम देते हो उसमें आया हुआ है तो मुझे बता दीजिए, तो मैं कराऊंगा, नहीं तो सिर्फ उसमें हेडक्वार्टर दिया है तो आप मुझे बता दो क्या करना है उसको, जरूरी है। बता दीजिए आप एक बार कि क्या उसको करना जरूरी है, हेडक्वार्टर नहीं दिया है बहुत, डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
एक बार ये आप देख लीजिए, आप मुझे मैसेज पे बता दीजिएगा। और तो हम लोग मिलते हैं फिर कल सेम टाइम पे, ठीक है? चलिए, थैंक यू। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है तो पूछिए। ठीक है, तो मैं समझाने वाला का समझा दूं, बाकी का बैठ रहने तुम्हें। चलो मिलते हैं फिर हम लोग कल सेम टाइम पे। बाय बाय।